चाय पी लिया है, बहुत अच्छा लगा। और ये भाई है इधर, एक है काड़ाराम जो इधर होटल पर खाना घर से भी बेस्ट मिलता है यार। खाना खाया हमने, आज तो भूख नहीं है क्योंकि अभी शाम को घर से चले हैं। खाना बहुत बेस्ट लगा इधर, एक बार नहीं कम से कम 5-6 बार खाना खा चुके हैं। ये देखिए पार्किंग कितना बड़ा है। और ये जिस टाइम हरियाणा से आते हैं तो राजस्थान में घुसने के बाद टोल आता है, जो टोल क्रॉस करते ही राइट साइड में पहला होटल है साथियों। नहाने धोने की भी व्यवस्था है, तो चलते हैं साथियों। चाय पी लिया है, अभी चलते हैं। ड्राइवर सीट पे आ गए मिस्टर नरेश कुमार। ये देखिए जूते और कोट पहन के सर्दी से बचने के लिए तैयार हो गए हैं ड्राइव करने के लिए। तो चलते हैं साथियों और निकालते हैं सफ़र। तो साथियों आ गए मेन रोड पर होटल से चाय पीकर। तो राजगढ़ यहाँ से 15 किलोमीटर है, अभी खींचते हैं क्योंकि ये गाड़ी अपना आगे इंतज़ार में खड़ा है। हमारे पंडित जी का है गाड़ी, है वो गांव के पंडित जी है, ले लैंड गाड़ी है जो आगे अपने इंतज़ार में खड़ा है। देखते हैं दोस्तों कहां पर मिलता है वो गाड़ी, अपने साथ का गाड़ी है वो। दोस्तों ये देखिए ये रोड अभी तक बना नहीं है, जाम लगता है, टायर खराब होने का डर रहता है। ये है राजगढ़ पार करने के बाद ओनली आधा किलोमीटर का एक टुकड़ा, पूरा रोड कंप्लीट हो चुका है, ओनली यही टुकड़ा बीच में बाकी है। ये देखिए कितनी स्लो पोजीशन में गाड़ियां चल रही है इधर, क्योंकि ये रोड ख़राब है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ड्राइविंग सीट पे आ गया हूँ, ड्राइवर सीट पे आ गया आपका छोटा भाई नरेश। अभी आराम करेंगे, सुबह के तकरीबन 3:30-4 बजने वाले हैं और हम पहुँच गए हैं कुचामन बाईपास। पहले भूख नहीं था, खाना नहीं खाया था, अभी नरेश ने मेरे को उठाया, नरेश ने खाना खाया और मेरे को खाना खिलाया। फिर नरेश को मैंने बोल दिया कि आप आराम करो क्योंकि तबीयत ज़्यादा ही दोनों की डाउन है। और नरेश को दे दिया रेस्ट, अभी मैं आ गया हूँ ड्राइवर सीट पे। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं रास्ते के नज़ारे, अभी है कुचामन बाईपास। दोस्तों किशनगढ़ पहुंच चुके हैं, अभी इधर से नसीराबाद की तरफ टर्न करेंगे। तो साथियों अभी भी अंधेरा है, दिन नहीं निकला है, मौसम चेंज हो गया है। पीछे का तो मेरे को पता नहीं, मैं सोया हुआ था, लेकिन कुचामन से चलने के बाद हल्की हल्की बूंदाबांदी और शुरू हो गई है, कहीं पर आ जाती है, कहीं पर बंद हो जाती है, कहीं पर आ जाती है, कहीं पर बंद हो जाती है।
और एमपी में ज़्यादा बारिश है, एमपी में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में बहुत ज़्यादा बारिश है। ड्राइवर भाइयों से, सभी से निवेदन है, जो भी कर्नाटक की तरफ आए तो अपना रस्सा तरपाल मजबूती से कर कर आए ताकि माल ना भीगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह की राम राम। तो दोस्तों हमने नसीराबाद क्रॉस कर लिया है, बंधनवाड़ा पहुंचने वाले हैं। पूरी रात नन्नी मुन्नी बारिश रही है, कभी आ गई कभी बंद, कभी आ गई कभी बंद। नरेश सोए हुए हैं। दोस्तों जैसा भी होता है आपको दिखाते हैं, देखिए आप रोड के नज़ारे। सुबह का मौसम है, ट्रैफिक कम है, छोटा ट्रैफिक बहुत ही कम है। जिस टाइम छोटा ट्रैफिक ज़्यादा होता है बड़ी गाड़ी को, उसी टाइम थोड़ी दिक्कत होती है। तो दोस्तों अभी जितना भी गाड़ी रोड पे है, टोटल बड़ा गाड़ी है, छोटा गाड़ी एक आधी दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं बंद। लाइटें बंद हो चुकी हैं गाड़ियों की,